तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अपकमिंग प्रोजेक्टों पर। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय हिंद लिख के। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़्यादा किसी का कोई पैसा नहीं लगता, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, उससे हमें हौसला अफजाई मिलेगी और आगे भी हम नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के न्यू प्रोजेक्ट पर। इन 8 जिलों को मिलकर यूपी में बसाया जाएगा नया शहर। जमीनी गत को देखने के लिए जमीनों के अधिग्रहण का मिलेगा इतना मुआवजा। यूपी में नया शहर का निर्माण होने वाला है। इस शहर का निर्माण आधुनिक तर्ज पर किया जाएगा और सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस नए शहर के निर्माण के लिए 8 गाँवों जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। इस शहर का निर्माण करने के पीछे का विशेष कारण यूपी में बढ़ती हुई भीड़ को कम करना और यूपी का विकास करना है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। इस देश की राजधानी दिल्ली में बने NCR की तरह अब उत्तर प्रदेश में बनेगा SCR यानी राज्य राजधानी क्षेत्र। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर का विस्तार करके राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने के प्लान का काम किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के 8 जिले शामिल होंगे। यह प्रस्ताव प्रदेश के इन दोनों प्रमुख शहरों पर बढ़ते जनसंख्या के बोझ को देखते हुए तैयार किया गया है। लखनऊ और कानपुर दोनों ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के बीच बसे हैं। दोनों शहरों के मुकाबले में ये ज़्यादा विकसित है, यहाँ सुविधाएँ और अवसर भी अधिक है, लिहाजा प्रदेश के अधिकतम लोग इन दो शहरों में रहना चाहते हैं। ऐसे में अधिक से अधिक लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके, इसके लिए राज्य सरकार पूरे इलाके में NCR जैसा बनाना चाहती है। SCR बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में प्रदेश के शहर और शहरी नियोजन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हाल के सालों में ऐसा देखा जा रहा है कि इन दो शहरों पर बढ़ती निर्भरता के चलते प्रदेश के मध्य क्षेत्र का शहरी विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। जब निवेश की बात आती है तो लखनऊ कानपुर कॉरिडोर का ध्यान खींचता है। ऐसे में निर्माण ये लिए गया है कि इन दोनों शहरों के आसपास बसे छोटे छोटे शहरों को शामिल करके एक राज्य राजधानी क्षेत्र SCR का विकास होगा। इससे पूरे क्षेत्र का समग्र और संतुलित विकास होगा। योजना में 8 जिले होंगे शामिल। राज्य की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यह 2528 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 46 लाख आबादी वह कानपुर नगर में 3155 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जबकि हरदोई जैसे पड़ोसी जिलों का क्षेत्रफल 5986 वर्ग किलोमीटर दुगना है और आबादी करीब 40 लाख है। वहीं 5742 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए सीतापुर को आबादी करीब 44,83,000 है। प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र SCR लखनऊ और कानपुर नगर सहित 8 जिलों को कवर करेगा जो 3400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आगे भी ऐसी अपडेट के लिए हम आपको सूचित करें। जल्दी योगी सरकार इस पर बहुत तेज़ी से कार्य करेगी और प्रस्तावित कार्य जल्दी से चलाया जाएगा। आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक।